हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, बस दिवाली 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 हम सब वेट कर रहे थे दिवाली का। बस दिवाली आ ही गई, सिर्फ दो दिन रह गए दिवाली को। और बस आप लोग बताइए कि आप लोग की घर की सफाई हो गई कि नहीं। फिलहाल मेरी तो पूरे घर की सफाई हो चुकी है और आज मैंने पूरा दिन छत पे दिया था क्योंकि छत पे भी एक रूम है तो उसको भी क्लीन करना था। स्टोर रूम है तो स्टोर रूम को भी क्लीन करना था और पूरी छत को क्लीन करना था। तो फिलहाल आज पूरा दिन मेरा वही निकला है। और बस कुल मिला के मेरी पूरी घर की सफाई हो चुकी है और अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग और कल करेंगे अपने घर को थोड़ा सा मेकओवर, जो भी शॉपिंग करी होगी हम लोगों ने उससे। तो फिलहाल अभी मैं वैसे शॉपिंग करने के लिए ही जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। और मैं आपको टाइम भी बता दूँ कि ये टाइम कितना रहा। तो यहाँ देखिए 6:20 हो रहा है और ये ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, इस वजह से हम लोग लोकल मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और चलिए देखते हैं कि वहाँ पे मेरी मुझे जो चीज़ें लेनी है वो मिलती भी है कि नहीं। और मार्केट तो वैसे लोकल मार्केट भी हमारा अच्छा ही है, वहाँ भी मिल जानी चाहिए चीज़ें, लेकिन देखते हैं चलो हमारे मनपसंद की चीज़ मिलती है कि नहीं। क्योंकि मैं हमेशा शॉपिंग जब भी करती हूँ तो नजफगढ़ मार्केट से ही करती हूँ और इस बार टाइम नहीं मिला इन्हें। और फिर हम लोग अब थोड़ी देर में निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मार्केट और सारी मार्केट में दुकानें सज चुकी हैं और इतनी सुंदर लग रही है सारी दुकानें, अच्छा लगता है बहुत देखने में। तो फिलहाल हम सबसे पहले आए कर्टन के शॉप पे क्योंकि हमें कर्टन लेना था और सोफे कवर भी लेने थे। तो हमने सोचा सबसे पहले ये बड़ा वाला काम कर ले कि कर्टन और सोफे कवर ले ले। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि बहुत सारे कर्टन लगे हुए थे और इतने सुंदर सुंदर कर्टन लग रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। और हस्बैंड ने तो डिसाइड कर लिया था, मतलब 10-15 मिनट में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कौन सा लेना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि इतने सारे कर्टन थे और सारे ही कर्टन बहुत अच्छे लग रहे थे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने एक कर्टन को डिसाइड किया हम दोनों ने और उसके बाद हमने वो कर्टन लिया और सोफे कवर लिए। और उसके बाद हम लोग गए बच्चों के शॉप पे और यहाँ से मुझे लेना था शानू की ड्रेस क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की मिल रहे थे। तो यहाँ पे शानू के लिए लेने गए थे हम लोग और शानू के लिए एक ड्रेस हम लोगों ने यहीं से सिलेक्ट करी है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मुझे बहुत प्यारी ड्रेस लगी। इस दीदी ने बहुत अच्छे से बहुत टाइम दे के ड्रेस सारी दिखाई गुड़िया के लिए। तो मैंने यहीं से एक ड्रेस सिलेक्ट किया था दिवाली के लिए शानू के लिए। तो फिलहाल शानू दिवाली पे पहनेगी, बहुत ही प्यारी ड्रेस है वो। और फ्रेंड्स, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी गले ख़राब में ही मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे आवाज़ को अवॉइड करिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो यहाँ पे शानू की हम लोगों ने ड्रेस ली और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आरू के लिए भी लेना था हमें ड्रेस। तो फिलहाल हम लोग दूसरी दुकानों पे गए और 2-4 दुकानों पे जाने के बाद हम लोग ये इस दुकान पे आए हैं। तो इस दुकान पे भी हम लोग काफ़ी कुछ देख रहे थे और आरू के लिए एक हुडी भी लेना था तो हुडी भी देख रहे थे हम लोग। तो फिलहाल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और बहुत दुकानों में घूमने के बाद हम लोगों को एक शॉप से आरू के लिए हमने ड्रेस ली है और फिर बस हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि कुछ खास ज़्यादा नहीं लेना था, बस हमारा मेन था कर्टन, सोफे कवर और बच्चों की ड्रेस। तो हमने वो ले ली और हम लोग आ गए। तो ये सुबह मॉर्निंग की वीडियो है और सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। और ये बारिश रात से ही स्टार्ट थी, रात के 11-12 बजे से ये बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने सबने लाइटें लगा रखी थी और वो मैं लाइट दिखा रही हूँ कि कहीं ये लाइटें ख़राब ना हो गई हो बारिश से, पता नहीं वो रात में जलेगा तब पता चलेगा कि ये सही चल रही है कि खराब हो गई है। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज धनतेरस है तो आप सबको हैप्पी धनतेरस। और ये व्लॉग कल रात से ही स्टार्ट है, कल मैं शॉपिंग पे गई थी और कल जो भी हम शॉपिंग करके लेकर आए हैं वो सब मैंने आपको रात को नहीं दिखाया क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा थक गई थी तो आकर मैं सो गई थी खाना वाना खाकर। तो फिलहाल ये वो सारी चीजें और बाकी जो पहले के व्लॉग में मैंने आप लोगों को उसे दिखाया ऑनलाइन जो मंगाया था वो भी और नजफगढ़ से जो लेकर आई थी वो भी थोड़ा बहुत डेकोरेट की चीजें और किचन का कुछ सामान था, वो सारी चीजें मैं आज सेट करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं सब कुछ लेके बैठी हूँ और बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ कुछ कुछ लगाने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ लगने वाली है क्योंकि आज धनतेरस है तो आज शाम को फिर हमें जाना है शॉपिंग पे। और ये वाली शॉपिंग जो होगी वो सिर्फ पूजा से रिलेटेड शॉपिंग होगी और जो भी धनतेरस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी होती है हमेशा हम लेते ही है वो सारी हम चीज़ें लेंगे।
तो फिलहाल उस शाम से पहले पहले मैं सोच रही थी कि सारी चीजें मैं सेट कर दूं घर में, किचन में जो चीज मुझे लगानी है वो चीज मैं लगा लूं और मैं इस काम से मैं फ्री हो जाऊं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम और जल्दी जल्दी सेट करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे लगेगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ जो मैं लेकर आई थी और देखते हैं कि ये ऑनलाइन जो मंगाई थी वो है, तो आपको पता होगा मेरे ब्लॉग्स पे देखे होंगे तो। और ये मनी प्लांट तो ये पहले वाले ही हैं जो मैंने धो के डाले थे किचन के, वो हैं। और ये फ्रिज कवर और ये सारी चीज़ें डेकोरेट की, तो ये सारी चीज़ें चलो लगानी है हमें, तो कैसे कहाँ लगेगी तो ये चीज़ें लगा लेते हैं। और साथ में ये सोफ़ा कवर लेकर आई थी कल रात को जब हम गए थे, तो ये सोफ़ा कवर लेकर आए हैं तो इसको भी अभी लगाना है हमें, तो इसको भी सेट करते हैं ठीक है। और साथ में ये पर्दे हैं तो इन पर्दों को भी लगाना है, तो इनको भी हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ फटाफट फटाफट अपने घर को सजाने में, और सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने सोफे से ही की है, तो क्योंकि सोफे में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इस सोफे पे पहले ये वाला कवर डालूंगी जो हमेशा ही मैं डाल के रखती हूँ ताकि गद्दे खराब ना हो, और इसके बाद में जो गद्दे का जो न्यू कवर लेकर आई हूँ वो डालूंगी। तो फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था इसलिए मैंने ये तो फ्रेंड्स सोफे कवर लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और जो भी मैंने ऑनलाइन कंटेनर मंगाए थे अब उन सब में मैं सारा सामान डाल रही हूँ। तो ये जो बड़े वाले कंटेनर थे इसमें मैं दाल और राजमा और चीनी वगैरह मैं डाल रही हूँ, और ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें होती है। बस एक राजमा था जो डेली यूज़ नहीं होता, लेकिन दाल चीनी ये सारी चीज़ें डेली यूज़ होती है, तो वो सब मैं डाल के ये जो कांच का शेल्फ है मैं वहाँ पे रखने वाली हूँ। और फिर इसके बाद मैंने छोटे वाले जो कंटेनर मंगाए थे उसमें मैं सारा डालूँगी मसाले और साथ में ही सूजी मैदा, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसको मैं शेल्फ पे रख दूंगी। उसके बाद मैंने ये जो बॉटल मंगाई थी तेल की बॉटल, तो ये इसमें मैंने सारा ऑयल डाल दिया है। और ये जो छोटा वाला पिंक वाला ऑयल बॉटल है वो पुराना मेरा ऑयल बॉटल है, इसको मैं रिजेक्ट नहीं करूंगी, इसको मैं साथ में ही रखूंगी। फिलहाल दोनों बॉटल को मैंने फिल कर दिया है और दोनों को ही मैं टॉप काउंटर पर रखने वाली हूँ। बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ सारे डब्बे रखने के लिए। तो ये शेल्फ पे छोटे वाले डब्बे मैंने ऊपर वाले शेल्फ के लिए मंगाए थे, और ये जो बड़े वाले डब्बे थे ये सेकंड शेल्फ के लिए मंगाए थे, लेकिन चार मुझे ना रखने के बाद ये थोड़ा बीच में खाली खाली सा लग रहा था लास्ट में, तो यहाँ पे मैंने बादाम का डब्बा रख दिया है। और यहाँ पे नीचे ये देखिए ये मेकअप बॉक्स का मेरा शेल्फ था तो वो यूज़ नहीं होता, तो मैंने इसे ट्रे की तरह यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिए हैं, तो यहाँ पे ये वाला काउंटर मेरा रेडी हो गया है, और ये देखिए कितना प्यार लग रहा है यहाँ पे। और अब मैं आ गई हूँ फ्रिज कवर लगाने के लिए, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने फ्रिज कवर लगा दिया है ऊपर की तरफ रख दिया है, और फ्रिज के जो अंदर के मैट थे वो मैं डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर का कवर लगा रही हूँ। और इसको कवर करने के बाद जो ये फ्रिज का हैंडल है उसको मैं कवर करूँगी, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था लगने के बाद, तो ये रहा ये हैंडल कवर और मैं इसे लगा रही हूँ। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये थोड़ा सा लूज़ है तो ये थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा मुझे बाद में, मैं टाइट करूँगी। और ये देखिए अंदर मैंने ये सब इस तरीके से मैट को डाल दिया है। मैंने ये वाला जो स्टिकर मंगवाया था ये हमारे किचन के टाइल पे पूरा मैच हो जा रहा है, और इसमें मैं लगा रही हूँ ना, तो ये स्टिकर लगने हटने के बाद ना ये व्हाइट व्हाइट जितना भी है वो नहीं दिखेगा, ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है और ये इसमें मैच हो जा रहा है, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा मतलब इस स्टिकर को टाइल पे लगाने पे। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब इसे कहाँ लगाऊं और किस दीवार पे लगाऊं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसी एरिया के लिए मैंने मंगाया था कि इस एरिया पे मैं ये वाली स्टिकर लगाऊंगी, बट इस पे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कोई नहीं, हस्बैंड आते हैं अभी, उनसे पूछती हूँ कि कैसे करना है, इसे कहाँ लगाना है, और देखते हैं अभी कहाँ लगाऊंगी, यहीं लगाऊंगी या फिर कहीं और लगाऊंगी। वैसे यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, लगाने पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो देखती हूँ कि किचन के कौन से साइड पे अभी ये स्टिकर लगेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने हस्बैंड जी का वेट नहीं किया क्योंकि बहुत शाम हो जाती उनका वेट करती, तो और मुझे लग रहा था कि जो मैंने काम स्टार्ट किया है वो मैं फटाफट ख़त्म कर दूं,
तो फिलहाल कोई और भी जगह भी नहीं दिख रही थी मुझे, तो मैंने यहीं पे लगा दिया। और लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसे मैं सोच रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट लगने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैं आ गई थी रूम में, और ये जो प्लास्टिक का जो फ्लावर है ये मैंने 3-4 जगह पे लग रख के देखे, मेरे मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने यहाँ पे रखा तो इसका लुक यहीं पे आ रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी कर्टन लगाने के लिए, और ये देखिए शाम हो चुकी है, इस टाइम 6 बज चुके थे, तो यहाँ पे मैं अब कर्टन लगा रही हूँ। और ये मेरा शायद लास्ट काम था, ये कर्टन का नहीं, लास्ट नहीं था, और भी 2-3 काम है मेरे, तो ये कर्टन लगा रही हूँ। और यहाँ पे शानू देखो, शानू भी मस्ती कर रही है, और ये शानू देखो कहाँ चढ़ रही है, ये देखो, ये देखो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। और मैं इसे बार बार मना भी कर रही थी कि बेटा उतर जाओ, लेकिन नहीं सुन रही थी। बीच बीच में मेरा सारा ध्यान शानू के ऊपर जा रहा था। और ये देखिए कर्टन लग चुका है, मेन गेट का कर्टन लगाने के बाद मैं आ गई थी रूम के कर्टन लगाने के लिए। तो अब मैं रूम के कर्टन्स लगा रही हूँ, और ये सारे पर्दे कलर एक है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। मेन मेन गेट का जो पर्दा है वो थोड़ा सा अलग है, और रूम के जो पर्दे हैं वो थोड़ा अलग है, बट कलर सेम है। और बहुत ही प्यारे ये पर्दे लग रहे थे लगने के बाद। और प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, जो भी चीज़ मैं लेकर आई हूँ और जो भी चीज़ मैंने यूज़ किया है, लगाया है, तो बताइएगा आप लोग भी। तो फ्रेंड्स ये डोरबेल मैं यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि जब हम लोग अंदर आते जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है पर्दे से जब ये टच होता है। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया। और ये डेकोरेटिव बेल भी 3 जगह पे लगा कर देखा था, तो वहीं पे अच्छा लग रहा था, तब मैंने वहाँ सेट किया था। और लास्ट सबसे लास्ट काम था जब हस्बैंड आए गए थे, तो उनकी हेल्प के साथ मैंने ये काम किया था। और ये मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ जहाँ पर ये दीवारें ख़राब हो रही हैं, सीलन से ये दीवारें निकल रही हैं। और लास्ट ईयर हमने वाइट वॉश कराया था, तो इस साल नहीं कराया क्योंकि हम 2 साल बाद वाइट वॉश कराते हैं, तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये लगाया था। और अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने घर का पूरा फाइनल लुक।
फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी एंड, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।